नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपेटर इन्फो चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास टेंथ के एसएसटी का इतिहास में चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। दोस्तों, एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से जो है कि हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने शुरू कर दिए हैं, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को देखते हुए हम रोज़ आपके लिए जो है कि एक नई नई वीडियो लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत ही मेहनत करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगी और आप जो है अच्छी तरह मेहनत करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले जो है छोटा क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, कि यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये श्रेय जाता है योहान मार्टिन लूथर को। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। उसके बाद कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, तो वो थे मार्टिन लूथर। ओके, उसके साथ ही ये सब 1 मार्क्स के हैं और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। गुटेनबर्ग द्वारा छापी पहली पुस्तक कौन सी थी, यानी गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बाइबिल। उन्होंने सबसे पहले बाइबिल को छापा था, यानी कि बाइबिल पर कड़ी मेहनत की थी उन्होंने। उस ज़माने में बुक छापना इतना आसान नहीं होता था जैसे आज इतना आसान है। ठीक है, तो एक एक बुक की भी छपाई बहुत लंबे समय तक होती थी। पुस्तकों का पेपर बैक संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ये वो है जब उनको, जैसे आज की पुस्तक हम पढ़ते हैं ना, तो उसे पेपर बैक बोलते हैं, तो ये बहुत बाद में शुरू हुआ, महाबंदी की शुरुआत में। ठीक है, 1930 के आसपास ये जो है कि शुरू हुआ। ओके, महाबंदी की शुरुआत में। उसके बाद इंग्लैंड में फेरी वालों के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाली किताबों को क्या कहा जाता था? तो उसे चैप बुक्स कहते थे। जो फेरी वाले थे उस बुक को, जो 1 पैसे की बिकती थी, उसको चैप बुक्स कहते थे। ओके, उसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने का कौन सा साधन विशेषकर नारियों के लिए था, यानी कि जैसे जो नारी शिक्षा थी उनके लिए क्या था मुख्य रूप से पढ़ाई का स्रोत? तो वो था बस मैगजीन, पेनी मैगजीन से उन्हें कहते हैं। ओके, तो ये जो है कि स्त्रियों के लिए पढ़ने के लिए जानी जाती थी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1878 का वर्नाक्यूलर एक्ट किस तर्ज पर बना था? याद रखिएगा दोस्तों, 1878 वर्नाक्यूलर एक्ट, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट, तो आयरिश प्रेस कानून के द्वारा। ठीक है ना, ये वो एक्ट था जिसके द्वारा जो है बिना पूछे संपादक जो है कुछ भी नहीं छाप सकता था सरकार के बारे में और राज्य के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी शासन का ये बहुत ही खतरनाक कानून था, प्रेस पे मतलब एक तरह से प्रतिबंध लगा देता था, ये समझ लीजिए बिल्कुल। ठीक है, इसे 1878 में आया था वर्नाक्यूलर एक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है क्या, कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था? तो वो था डायमंड सूत्र। ठीक है, सबसे पुरानी पुस्तक है जापान की। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश में मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले विकसित हुई? तो आप सभी जानते होंगे, आपने टेंथ में ही पढ़ाई होगा कि जो इस चैप्टर में पढ़ाई होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, कि चीन में सबसे पहले शुरुआत हुई, और जब यूरोप के व्यापारी चीन आते थे ना यात्रा करने और व्यापार करने, तो वो यहाँ से सीख कर गए। ठीक है, और फिर उन्होंने भी वहाँ पर जो है कि प्रिंटिंग प्रेस छापने की मुद्रण तकनीकी सीखी। ठीक है, चीन से लेकर गए और चीन से सीख कर वहाँ पर जाकर उन्होंने छापने शुरू की यूरोप में। ओके, तो याद रखिएगा इस बात को कि जो मुद्रण की तकनीकी है वो चीन से शुरू होती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह शब्द किसने कहा था? तो बिल्कुल सही जवाब कि मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने काफ़ी प्रकाशन के ऊपर काफ़ी कार्य किया है मुद्रण के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीकी यूरोप में कौन लाया? तो वो जो है मार्को पोलो थे। ओके, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीकी। उसके बाद है भारत में छपाई की तकनीकी कब और कौन लाया? तो भारत में दोस्तों बहुत बाद में 16वीं शताब्दी में, और ये पुर्तगाली लेके आए, क्योंकि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही व्यापार करने आए थे, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछले चैप्टर में कि सबसे पहले जो है कि पुर्तगाली ही भारत आए थे। ओके, व्यापार करने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो बिल्कुल सही जवाब है हमारे भारत के समाज सुधारक ज्योतिबा फूले। ठीक है, उस समय काफ़ी नाम था इनका, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बहुत कार्य किया था। तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ छापा गया? तुलसीदास का, ठीक है,
पहला मुद्रित संस्करण यानी पहली पुस्तक कब लिखी गई, तो वो 1810 में, ठीक है, मुद्रण पुस्तक यानी कि सबसे पहले छपी हुई पुस्तक कब लिखी गई, तो 1810 में लिखी गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। उससे पहले ना सब पांडुलिपि ही मिलती थी, ठीक है, पढ़ने के लिए लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो फारसी अखबारों के नाम लिखो जो 1882 में प्रकाशित हुए, तो वो दो अखबार थे जामे जहां नामा और शमसुल अखबार। ये दो ऐसे अखबार थे जो फारसी में प्रकाशित होते थे, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। उसके बाद दोस्तों बात आती है रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार की, ठीक है, तो रिफॉर्मेशन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो ये जो रिफॉर्मेशन थे ये कैथोलिक चर्च जो थे हमारे, ठीक है ना, तो कैथोलिक धर्म में सुधार लाने के लिए, ठीक है, उन्होंने जो कार्य किए थे उसको रिफॉर्मेशन कहा गया है, कि कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन चलाया उन्होंने, इसी को कहा गया है रिफॉर्मेशन। ओके, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है पुनः जागरण या फिर दोबारा से सुधार करना। उसके बाद आता है, अब ये लघु दीर्घ उत्तर आते हैं प्रश्न, ठीक है, 3 और 5 अंक वाले, तो इसमें जो है सबसे पहले वही प्रश्न है वुड ब्लॉक वाला, कि वुड ब्लॉक काट की तख्ती वाली छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी के बाद आई, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि उससे पहले का ना कोई हमारे पास जो है कि ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, तो वुड ब्लॉक वाली छपाई यूरोप में 1295 के पश्चात आई क्योंकि वो तकनीकी पहले चीन के पास थी, ठीक है, मार्को पोलो को ये ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, क्योंकि वो चीन गए थे व्यापार करने और वहाँ पे सीखने गए थे इस चीज़ को, उन्होंने सीखा अच्छी तरह, ठीक है, मार्को पोलो ने यह यूरोप को वुड ब्लॉक से अवगत कराया और यह तकनीक यूरोप में फैल गई क्योंकि काफ़ी कारगर थी। अब ये जो है कि पहले क्या होता था, बच्चों के लिए शिक्षक की ज़रूरत होती लेकिन बुक के आने से वो शिक्षक के बिना भी पढ़ सकते थे। ओके, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई। तो आपको पता ही है कि बुक पढ़ने से सबके पास ज्ञान आने लग गया, सब जो है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ी जिससे उनको ये एहसास होने लग गया, ठीक है, देशभक्ति की एक तरह से जो है कि उनके मन में, ठीक है, जगह बनने लग गई। तो छपाई के चलते विचारों का, ठीक है ना, विचारों का प्रसार हुआ, उनके लेखन ने परंपरा, अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की, ठीक है, जो समाज में लंबे समय से, ठीक है ना, रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही थी उसका जो है आलोचना किया उन्होंने और उसको तोड़ने की कोशिश की। ये पुस्तकों ने बहुत योगदान दिया इन चीज़ों में। तो रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया गया, ठीक है, और चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला किया गया पुस्तकों में, ठीक है, यानी पुस्तकों में लेखकों ने, ठीक है ना, चर्च पर और निरंकुश सत्ता पर काफ़ी जो है हमले बोले, तो इससे जो है फ्रांस में देशभक्ति को बल मिला। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। ओके, तो ये जो है कि मुख्य कारण थे आपके इस प्रश्न के, यानी कि क्रांति लाने में जो, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति लाने में इनकी मुख्य भूमिका रही पुस्तकों की, याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं पांडुलिपियाँ, देखिए पांडुलिपि भी आ गई। पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी गई हो, ठीक है ना, वो किसी भी चीज़ पर लिखी जा सकती है, लकड़ी पर, गत्ते पर, या फिर जो है पत्ते पर, या फिर आप यूँ कहें कि धातु की प्लेट पर, ठीक है ना, धातु की सीट पर, तांबे की सीट पर, तो इनके प्रयोग की क्या सीमाएं थी, ठीक है, सीमाएं का मतलब होता है दोस्तों क्या कमियां थी इनके प्रयोग की, पांडुलिपियों की सॉरी, तो आपको तो पता ही होगा कि लिखने में कितना समय व्यस्त होता है, कि पहले अगर आपने अगर आपको पता हो कि छपाई से पहले क्या क्या कार्य होता है तो आपको तब पता चलेगा कितना मुश्किल कार्य होता है पांडुलिपि तैयार करना। हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो किताबों बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी क्योंकि बहुत समय लगता था एक पुस्तक को लिखने में, ठीक है ना, पांडुलिपि के द्वारा। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगना और मांग पूरी न होना, ठीक है, ये सब सीमाएँ थी इसकी, यानी कि, ठीक है, पहले पांडुलिपि क्या थी, तो इसकी परिभाषा हो गई कि हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते थे और ये ये लकड़ी पर, गत्ते पर, किसी पत्ते पर या फिर किसी धातु की सीट पर लिखी जाती थी, ठीक है ना, और ये इनकी सीमाएं हैं, ठीक है, कमियां हैं कि ये बहुत नाजुक होती थी, रखरखाव में लाने ले जाने में मुश्किल आती थी। ओके, और उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान भी मुश्किल होता था, ठीक है ना, या ऊ की मात्रा रह गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो
पांडुलिपि की सीमाएं बताती हैं, यानी कि कमियां बता रही हैं कि क्या क्या कमियां थी पांडुलिपियों में। हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि पांडुलिपि ही हमारे जो है धर्म ग्रंथों का और साथ साथ में साहित्य का और यूँ कहें कि हमारे इतिहास का जो है ठीक है महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के या विभिन्न कालक्रमों की जानकारी देता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि मुद्रण ने किस प्रकार समुदायों और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य किया था। तो आप समझ ही रहे हैं कि पुस्तक भाई हर जगह पहुंचने लग गई, विचारों का आदान प्रदान होने लग गया, तो एक दूसरे के ठीक है विचारों को जानने लग गए लोग। तो मुद्रण प्रणाली ने नए विचारों के विकास प्रसार और अभिव्यक्ति हेतु एक नए प्लेटफॉर्म को विकास ठीक है विकसित किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कैसे पुस्तकों ने एक दूसरे के विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया। मुद्रित प्रणाली संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन था। मुद्रित का मतलब दोस्तों याद रखिएगा मुद्रण मतलब छपाई होता है, ठीक है ना, छपना। तो ये भारत के लोगों की समस्या को उजागर करते थे। धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापार जन समुदाय तक पहुंच रही थी और इसके साथ ही भारतीय मूल के अखबार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक समाचार पहुँचाते थे। तो इन सारी चीज़ों ने जो है मिलकर ठीक है जो विचार है जो आदान प्रदान है भारत के विभिन्न भागों में लोगों को जोड़ने का कार्य किया। ओके, जिससे भारत में भी राष्ट्रवाद को जो है बाद में बल मिला। अगला क्वेश्चन है 21 कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान दिया। दोस्तों देखिए आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लिखी गई हैं और इसकी जो है कि लिंक नीचे मैं दे भी चुका हूँ, तो आप जो है नीचे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, PDF फॉर्म में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देशों के हर कोने में बढ़ते फैलते गए, ठीक है ना। कारण है किस चीज़ के कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान दिया। जैसे मैंने बताया आपको कि आचार जो विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ और एकता के सूत्र में बांधने का एक तरह से कार्य किया इसने पुस्तकों ने। तो दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देशों के हर कोने में बढ़ते फैलते गए और उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखा, ठीक है ना। औपनिवेशिक का मतलब होता है विदेशी ताकतों के द्वारा जो हमारी धरती पर कब्जा किया गया है। पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने पर बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी समाचार पत्र छापा, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी नीतियों के विरुद्ध, ठीक है। तो पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। आप जानती हैं कि लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक ये पंजाब से थे और इन्होंने काफ़ी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। तो पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला और बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करने पर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, ठीक है, पूरे भारत में, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे और उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध खुलकर किया था अपने, ठीक है ना, पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय क्यों हुई, चित्रित्र की वजह से, ठीक है ना, क्यों हुई। तो जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वे भी बोलकर पढ़ने वाले लोगों को सुनकर खुश होते थे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, कितनी खुशी होती थी उनको सुनकर। कि लोकगीत और कथाओं का छपना, ठीक है, सचित्र किताबों का छपना, जैसे कि मैंने बताया कि जो पढ़ नहीं लिख सकते थे वो चित्रों को देख के समझ सकते थे कि हाँ क्या कहा जा रहा है। ओके, और इन्हें ग्रामीण सभाओं में शहरी शराब खानों में गाया गया सुनाया जाता था, ठीक है, यानी किताबों को गाया या सुनाया जाता था। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि मतलब किताबें अनपढ़ों के बीच भी लोकप्रिय थी, अशिक्षित लोगों के बीच भी लोकप्रिय थी, क्योंकि जो लोग पढ़ते थे वो सुना देते थे उनको, लोकगीत और कथाओं में छपती थी, ठीक है, और उस पर चित्र भी होते थे, चित्र तो भाई सबको समझ में आते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी करने के कारण बताइए। तो आपको बताइए अगर हम एक लाइन में कहें तो अंग्रेज़ों की लंका लग गई थी, ठीक है ना, ये पुस्तकें छपने से मुद्रण होने से, ठीक है। तो जब सॉरी मैं ऐसे यूज कर रहा था वर्ड, ठीक है, हम अपनी आम भाषा में यूज करते हैं कि जब किसी रिपोर्ट को बागी करार दे दिया जाता था, ठीक, थोड़ा सा गलत है तो आप समझ लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने एडिटिंग करते वक्त ध्यान नहीं दिया यार, बहुत देखना पड़ता है, इस बार मैंने तीसरा राउंड मारा नहीं, जो क्वेश्चन तो ऊपर से देख लिया, तो इसके लिए सॉरी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब किसी रिपोर्ट को, लेकिन मैं उसमें सही करके नीचे लिंक में सही कर दूंगा मैं, जब किसी रिपोर्ट को
बागी करार दे दिया जाता था तो उसे छपने से पूर्व चेतावनी दी जाती थी और ना मानने पर प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। ओके, भारत में अखबार के माध्यम से बढ़ रहे राष्ट्रवाद अर्थात ब्रिटिश विरोध विचारधारा को नियंत्रण के लिए वर्नाक्यूलर एक्ट जो है कि लागू किया गया था। ठीक है, और भारत में छपने वाले सभी देशी अखबारों के प्रकाशन पर नज़र रखने के लिए वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस का गठन किया गया था। ठीक है ना, कि कौन सा न्यूज़पेपर क्या छाप रहा है, सरकार के प्रति क्या गलत चीज़ें लिख रहा है वो, या सरकार की आलोचना कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के ध्यान रखने के लिए ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है बनाया गया था। और अगर कुछ सरकार के विरुद्ध है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध है, तो उसे ठीक है वर्नाक्यूलर एक्ट के या तो बैन कर दिया जाता था या उसे चेतावनी दिया था कि ना छापें, छापने पर जो है प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लेती थी सरकार। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में मुद्रण संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसका विभाजन हुआ, ठीक है, तो उसमें मुद्रण संस्कृति की क्या भूमिका थी, हमें ये बताना है। ओके, तो आप सबको पता है कि मार्टिन लूथर ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था प्रिंटिंग में, यानी कि प्रिंटिंग ना इसी को मुद्रण को बोलते हैं। तो मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी और इसकी छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे गए और फलस्वरूप चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। यानी जो पादरियों की जो प्रोटेस्टेंट ही है ना, कि जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है, तो उन रीति रिवाजों को ख़त्म करना उसे प्रोटेस्टेंट सुधार के अंतर्गत माना गया। ठीक है, धर्म सुधार कि जिनका यूज नहीं है या फिर जो तर्क संगत नहीं है उनको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारे पास कि 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था, महिलाओं के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी। तो उदारवादी पिता और पति अपने घर पर औरतों को पढ़ाने लगे थे, ठीक है ना, मुद्रण संस्कृति होने से, यानी मुद्रण छपने से, पुस्तकों के छपने की वजह से शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले जो उन्हें स्कूल भेजने लगे। ठीक है, जब शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले तो ठीक है ना टोनी तो उन्हें स्कूल भेजने लगे माता पिता, ठीक है, और बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया। बागी यानी कि जिनको सीखना था लेकिन माता पिता या घर पे जो है जो उनकी फैमिली है मना कर रही थी, तो फिर उन्होंने खुद ही इसका विरोध कर दिया और वो खुद जाने लग गए। तो ये तो थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं है, मैंने कोशिश की कि कम टाइम में जो है आपको सब कुछ बताऊँ, फिर भी क्योंकि आपके 26, 27, 28 क्वेश्चन हैं तो फिर इसमें तो टाइम थोड़ा लगता ही है। तो ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी, यानी हमें ऐसे तरीकों का उल्लेख करना है। तो भाई सबसे पहला तरीका तो ये कि मद्रास में सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, अब गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। ओके, और सार्वजनिक पुस्तकालय खुल गए थे कई जगह, ठीक है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट पुस्तकालय हैं वो खुल गए थे और शहरों के साथ साथ ठीक है कस्बों में भी और संपन्न गांव में भी, यानी कि जो अच्छे गांव थे, बड़े गांव थे, वहां पे भी पुस्तकालय खुल गए थे। पुस्तिकाओं और निबंधों में जातिगत भेद के बारे में लिखा जाता था जिससे पता चलता था कि समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, ठीक है, और मजदूरों में साक्षरता आए, नशाखोरी कम हो, ठीक है ना, तो इसलिए भी जो है कि पुस्तकें काफ़ी मदद थी, ठीक है, आम आदमी में वो जगह बना रही थी। ओके, ध्यान रखें इस बात को, आम आदमी की पहुँच की बात हो रही है, समझ में आई बात। तो उसमें लिखा जाता था कि भाई कैसे नशा छोड़ें या फिर नशा ना करें, इससे क्या क्या नुकसान है। राष्ट्रवाद का संदेश आम आदमी तक पहुंचाने का अगर किसी भी चीज़ ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो आपको पता ही है, वो है लेख जो कि मुद्रित किया जाता था विभिन्न प्रकार के, ठीक है, न्यूज़पेपर पे, यानी कि पत्रिकाओं पे, समाचार पत्रों पे। दोस्तों आज़ादी के समय जो है मुद्रण ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये जो है कि हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को जो है कि शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। ओके, अगर अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, डिसलाइक कर दें आप। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी का नहीं बल्कि हर चैप्टर के साइंस, मैथ, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 9th से लेकर 12th तक सारे जो है आप लिंक दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू, बाय बाय।